उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद से बड़ी खबर आपको। जामवटी नगर के बल्लीपुर गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फांसी के फंदे से लटकता मिला शव तो पूरे गांव भर में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मायके के पक्ष वालों ने वैसा ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल बल्लीपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। इस दौरान भाई साहब पूरे गांव भर में हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। दूसरी बड़ी खबर भाई साहब बाराबंकी जनपद के मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र के सूरतगंज चौकी का आ रहा है, जहां भाई साहब इतना मारा युवक को कि पिछवाड़ा लाल हो गया है। बाकायदा भाई साहब निशान बन गया मोटे मोटे। बेचारा वीडियो बनाकर भेजने लगा कि देखो सीएम भैया देखो हमारा तो पीछे वाला लाल ही कर दिया। वैसे आपको बता दें कि चुनावी रंजिश को लेकर के पूर्व प्रधान की सह पर भाई साहब नवनिर्वाचित प्रधान के समर्थक युवक की सिपाही ने जमकर पिटाई कर डाली, पिछवाड़ा भाई साहब लाल कर दिया। पुलिस ने भाई साहब युवक पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया है। आरोप तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो उसके बाद मैंने घर चलाया, ये जाके एप्लीकेशन दे दिया, मेरे को पुलिस वाले उठा ले गए यहाँ से चौकी, चौकी से फिर ट्रांसफ़र कर दिया थाने। तो वहाँ हमको ले जाके कमरे में 10-12 पट्टे मारे हैं खींच खींच कर, ये नवीन कुमार। तीसरी बड़ी खबर भाई साहब बाराबंकी जनपद के फतेहपुर तहसील से आ रही है, जहां भाई साहब चेकिंग अभियान चलाया गया। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक एवं प्रसाद के निर्देश में कानून व्यवस्था एवं लॉकडाउन को प्रभावी बनाए रखने हेतु विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। फिलहाल दृश्य देखिए कलेजा कांप उठेगा। चौथी भाई साहब कलेजा हिला देने वाली खबर बाराबंकी जनपद के भाई साहब लोनी कटरा क्षेत्र से आ रही है, जहां भाई साहब जरौली गाँव पड़ता है और चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में ऐसी मारपीट हुई कि माथा साथा सब फूट गया। 5 लोग भाई साहब गंभीर रूप से घायल हुए, उपचार प्रसाद चला है त्रिवेदीगंज सीएससी में। फिलहाल बर्बाद हो गई। किसान माथा पकड़ कर बैठ गया, कलेजा पीट रहा है कि देखो भाई देखो बरसात के साथ साथ ये तो नुकसान हो गया, क्या करें, अमोनिया का भाई साहब कौन जुर्माना देगा। जो भी भाई साहब आदर सरावत की रिपोर्ट को देखने के बाद हमारा कलेजा पसीज गया। अब खबर भाई साहब दीपक दीक्षित एटा जनपद से भेजे, जहाँ पर भाई साहब डीएम साहब को बकायदा ज्ञापन देने के लिए पत्रकारों का जमावड़ा पहुंच गया। हमने देखा भाई साहब तो रूह कांप उठी कि पत्रकारों को कैसे आना पड़ा, कौन सी मुसीबत आ पड़ी। कार्यालय आए हैं एटा में, मामला ये है कि विगत दिन माँ दुर्गा नर्सिंग होम पर एक महिला की मौत हुई थी, जिसकी एटा के कई पत्रकारों ने कवरेज की थी और उसकी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। उससे देश भावना से उन लोगों ने हॉस्पिटल संचालक और उनके बुजुर्गों ने उन पत्रकारों की फ़ोटो फेसबुक से उठाकर उन पर अभद्र टीका टिप्पणी लिखकर और अशोभनीय शब्दों में उन फोटो को सोशल मीडिया में वायरल किया, जिससे समस्त जनपद के पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त हो गया। और कल हमने इस संबंध में बैठक की थी, बैठक में निर्णय लेकर हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया था। समस्या से संबंध डीएम साहब ने हमारी समस्या को गंभीरता से लिया और तत्काल प्रभाव से आदेश किए हैं। तो खबरें समाप्त, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।